सो हेलो दोस्तों, माइक संसारी वन, आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। और आज का जो दिन का शुरुआत था भाई, बहुत ही मतलब अलग तरीके से हुआ था, क्योंकि मम्मी का तबीयत ख़राब था। तो मम्मी को लेके गया था मैं उनका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ ही गया होगा, तो वो चीज़ भी लेना है मेरे को। और यहाँ पे आया था मैं, अब देखोगे मतलब चारों तरफ देख लो, कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। और ये जो बड़ा सा पत्थर है ना, यहाँ पे आया था मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अक्सर करके मेरे को जब अपलोड करना रहता है वीडियो ना, तो मैं अपना पुराना वाला घर के पास जाता हूँ, या तो फिर आता हूँ मैं इधर पे घूमने के लिए अकेले। बस ऐसे ही सुबह सुबह का वक्त रहता है, और सुबह सुबह ही वीडियो आता है मेरा 9 बजे, तो अपलोड करने के लिए आया। लेकिन आज जो है वो देरी हो गया, मतलब 9:12-13 में आज वीडियो जा रहा है। तो कुछ कुछ ऐसा कुछ होता है, मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बाकी चलता है यार, आप लोग के लिए सब कुछ बढ़िया है। बाकी आज का जो वेदर है ना भाई, कुछ इस तरीके से हो रखा है। और आज मैं सोच रहा था कि आज मैं जाऊंगा पेंड्रा, बट पेंड्रा जाने के लिए कोई भी अभी सिचुएशन बन नहीं रहा कि सच में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन ठीक है चलते हैं। और आप ओके? तो भाई मैं निकल गया अभी घर से पेंड्रा जाने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में मतलब अपने यहाँ जो दो तीन जगह जो है पेंड्रा में और गौरेला में जो मूर्ति बना रहा है, तो वहाँ पे मैं वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी निकल ही गया था। और ये जो रास्ता है ना, ये कोलबीरा मतलब मेरे गांव की तरफ से जाता है, और यहाँ से मैं अभी सीधे निकलूँगा इधर कोटवी तरफ से सीधे निकल जाऊँगा पेंड्रा के लिए। तो मेरे यहाँ से पड़ता है लगभग 20 किलोमीटर, तो पहुँचने में लग जाता है करीबन यार मतलब आधा घंटा समथिंग अराउंड में। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं, और बाकी आसपास का जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठाते हुए चलते हैं। बाकी वहाँ का वीडियो जो है आपको प्रॉपर एक एक करके ही देखने को मिलेगा। हो सकेगा तो आज ही अपलोड करूंगा, जल्दी से आके जल्दी एडिट करूंगा, जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आपको कल देखने को मिलेगा बहुत अच्छा अच्छा वीडियो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पेंड्रा और गौरेला के बीच में जो पेट्रोल पंप है उसके जस्ट आगे में ही यहाँ पे मूर्ति बनता है, मतलब कलकत्ता मूर्ति कला केंद्र। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा जो मूर्तियाँ हैं वो तैयार किया जाता है। तो भाई ये देखो, ये नेक्स्ट लेवल वाला है, तो इसमें भी कुछ कुछ बनेगा इधर पे। और इस इधर देखो, अलग अलग है भाई, मज़े ही आ गया देख के। वो दो जगह मूर्ति जो है वो तैयार मतलब बन चुका है, और अभी मैं जा रहा हूँ गौरेला के लिए। तो गौरेला में जाकर देखते हैं कि वहाँ का जो मूर्ति है वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। बाकी वहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा सुने हैं, तो वहाँ भी जाकर चेक करेंगे, देखते हैं कि वहाँ का जो मूर्ति है वो कैसा तैयार किया गया। फिलहाल अभी गुजर रहे हैं हम लोग पेंड्रा से, और पेंड्रा में मतलब पेंड्रा के लिए बहुत सारे जगह हैं यार, लेकिन यहाँ घूम नहीं पाते, मज़ा नहीं आता और मज़ा भी नहीं आता सच बताऊँ। कोशिश कर रहे हैं, पेंड्रा चलते हैं। अगर पेंड्रा से जो गौरेला तक का जो रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा बिजी वाला रोड है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्पीड में भी गाड़ी चलाते हैं, बहुत ज़्यादा आराम से भी गाड़ी चलाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ ही रहता है। अब देखते हैं, बाकी रास्ता देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी अब देखोगे ना तो मतलब मौसम एकदम बेमान सा हो रखा है, मतलब पानी कभी भी गिरने टाइप से हो गया है। लेकिन एक दो जगह को तो वीडियो बना चुके हैं, आप देखते हैं तीसरे जगह, उसके बाद चौथे जगह फिर कोशिश करूंगा कि और कहीं पे बन रहा होगा तो वहाँ पे भी पहुँच के जाएंगे। बाकी फिलहाल चलते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे बना रही है भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति है, तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। और इस बार तो ऐसा है कि सारी मूर्तियाँ जो है वो बुक हो चुकी हैं, सारी मूर्तियाँ लगभग बुक ही हो चुकी हैं ना भैया, सारी मूर्तियाँ जो है बुक हो चुकी हैं। तो ओके, तो गौरेला का तो हो गया, आप सीधे निकलते हैं एक पुराना जो गौरेला है वहाँ पे बनता है मूर्ति, वहाँ पे भी जाके देखते हैं कि कैसा जो मूर्ति है वो तैयार किया जा रहा है वहाँ पे। और फ़ोन का जो कवर है वो ख़राब हो गया, वो चेंज करवाते हैं इसको। और वीडियो बनाते बनाते इतना ज़्यादा टाइम हो चुका, भूख भी लगा, और भूख लगा तो मैं सोचा कि ना कुछ अच्छा चीज़ खाया जाए, लेकिन अच्छा चीज़ कुछ खाने को नहीं मिलता, तो अपन लोग समोसा ही खाते हैं। समोसा जो समोसा मिक्सर है वो चीज़ मैं मंगा लिया हूँ, उसके बाद खाते हैं फिर निकलते हैं।
भाई ये है समोसा मिक्सर, और समोसा मिक्सर का प्राइस जितना होगा उतना 20-25 रुपये जितना होगा दे देंगे, बाकी खाते हैं उसके बाद। भाई पेंड्रा घुमा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और 3 से 4 जगह मैं घूमने के लिए गया था, मतलब खुदी कार का वीडियो बनाने के लिए। और भाई मेरे को पता नहीं था कि वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, और बहुत सारा अच्छा लगा मेरे को कि वो भैया लोग मेरे को पहचानते थे, इसलिए मेरे को वीडियो बनाने दिए। और देखना यार, देखो यार, हर किसी को पता है कि मतलब किसी भी अगर चीज़ का हम वीडियो बनाते हैं, इसका मतलब है कि उसका कुछ फ़ायदा होगा, तब हम लोग वीडियो बनाते हैं उसका। लेकिन उसको हम लोग को मतलब अजीब सा बात करने का तरीका, उसका मैनर्स अच्छा नहीं था, उसका मतलब बात करने का तरीका इतना बेकार लगा ना मेरे को कि क्या बताऊँ, उसका वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। बट फिर भी हो गया, छोड़ो हटाओ, है ना। अब किसका बात कर रहा हूँ ये तो आप नहीं जानोगे, लेकिन इस चीज़ को मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि ये गलत चीज़ होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सा उससे रिलेशन बनाने के लिए गए हो, ठीक है, कौन सा अपना रिश्ता जोड़ने के लिए गए हैं, हम अपना काम करने के लिए गए थे, चाहे कोई भी कैसा हो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ का वीडियो बनाया और बस वहाँ से निकला है इधर। फिर उसके बाद एक भाई और बोला कि यहाँ का भी वीडियो बना लेना करके, फिर मैं वहाँ पर भी गया और इतना मस्त मूर्ति जब देखा ना भाई, दिल खुश हो गया मेरा। तो ठीक है, बाकी अभी रास्ते में पहुँचे, इस गांव का नाम है कुदरी, कुदरी से लगभग मेरा घर पड़ेगा वही 15 किलोमीटर, तो चलते हैं जल्दी से। जब मैं आ रहा था तो गौरीला तरफ देखी थे कैसा टाइप से माहौल करके रखा था, मतलब ऐसा लगा था कि पानी सब नहीं वाला है, लेकिन इधर पे आने के बाद फिर से धूप आ गया। मतलब किस तरीके से मौसम में बदलाव होता है भाई, तो आप तो देख लिया, आज का जो मौसम रहा बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है, हद से ज़्यादा।